के एजुकेशन को अगर ग्रामीण तौर पर देखा जाए तो वहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ सेहत के लिए सप्लाई और दिग्गर स्रोतों नजर नहीं आ रही है। तो तमाम स्रोतों को मद्देनजर रखते हुए एसटीओ की जानिब से यहाँ पर एजुकेशन को फरोग देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के एनजीओ के दोस्त भी मौजूद है, एमरजेंस भी मौजूद है, सर क्या कहेंगे इस इकदाम को? देखिए ये सारा कुछ इंतजाम जो आज आप देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी सोलर लाइट्स इन बच्चों को दी गई है और ये बच्चे तकरीबन 150 के करीब ये बच्चे हैं यहाँ पे, और ये यूएसएआईडी के असिस्टेंट के थ्रू ये सारे इनको डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। हमारा मेन मोटिव यहाँ पे यही था कि मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि इन बच्चों को, क्योंकि ये रात के टाइम इनके पास लाइट नहीं होती, तो ये डी सोलर लाइट्स इनको दी जाए और रात के टाइम ये अपनी स्टडी करें ताकि इनका एक शौक पैदा हो। शौक पैदा हो किस तरह एजुकेशन पीने का पानी भी नहीं आता। यहाँ देखो बहुत दूर दराज इलाका है, तो यहाँ हमने स्कूल कायम किया और इस स्कूल में हमने यूएसआईडी के थ्रू सोलर सिस्टम लगा है, पंखे वगैरह लगे हुए हैं। अब गर्मी में जो है बच्चे गर्मी महसूस नहीं करेंगे, आराम से हवा के नीचे पर अपनी तालीम जारी रखेंगे। स्कूल है पत्थर के अंदर अच्छे हैं, बच्चों को अवेयरनेस दिया शहर के लिए, रात को उनके लाइट नहीं है, बिजली बंद करानी नहीं है, ये शहर लाइट दिए कि रात को बच्चों में तालीम के अंदर शोर है। अगर हमें अप्रिशिएट करते हैं एनजीओ को, एकदम बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ, तो सरकार के मुकाबले में ये कहा जा रहा है कि स्वच्छ एजुकेशन की बात की जा रही है कि एजुकेशन की तुम्हारे एजुकेशन के साथ साथ पीने का साफ पानी और दीगर चीजों का मौजूद है। यहाँ पर आने वाले दावे तो बहुत कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर वो जीतने के बाद जहाँ पर आवाम को पीने का साफ पानी से और दीगर स्रोतें फराहम की जाएंगी, लेकिन जहाँ पर बुनियादी स्रोतों के साथ साथ जो बच्चों को जहाँ पर पीने का पानी और स्कूल के सब तक मसले नहीं। कैमरा मैन नजीर अहमद खान के साथ सांगर से इस बात शुरू।